बिल्कुल आपा के वो अगर कहता है कि वो अगर सामने पत्थर को रख के अगर वो खुदा कहता है तो वो खुदा से ही मांगता है। तो हजरत नूह अलैहि सलाम का वाकया है कि पूरा दुनिया को जो है गर्क कर दिया गया था, यहाँ से फिर काफिर पैदा हो गए। आप में इतना इतना तड़ है ना, अगर आप में इतना आपका आपको नॉलेज है तो जाओ आप अमेरिका जाओ, दुनिया के इतना यूरोप कंट्रीज भरे पड़े हैं जो काफिर है, आप जाकर उधर तबलीग करो, आपको मैं मान जाऊंगा। पता है हमें इस्माइली क्यों कहा जाता है? उसका शाह कहाँ मिलता है आपको? जाके आपको अली से मिलता है ना। इसी शाह के एक और इमाम इमाम मुस्तनसर बिल्ला जो आपके निजार के भाई थे, वो भी तो उसी शाह के हैं, लेकिन उसने क्या किया, उसने आपके इमाम को कत्ल कर दिया। अब मुझे ये बताइए कि क्या ये किसी की शाख से होना इस बात की दलील है कि वो हक पर होगा और वो सच पर होगा, और वो अगर इस्लाम में तब्दीली करेगा तो वो अल्लाह के हुक्म से करेगा? दुआ पढ़ता हूँ तो अल्लाह के आगे सजदा करता हूँ ना, उसमें भी अल्लाह अल्लाह के आगे भी सजदा कर रहे हैं, और उससे पहले क्या बोल रहे हैं आप वो भी तो देखें ना, दुआ के अंदर जो जो शिर्क है ही वहां पर सारा, एक तरफ वो अपने इमाम को आगे कर रहे हैं, दूसरी तरफ अल्लाह को आगे कर रहे हैं, तो दुआ के अंदर ही कॉन्ट्राडिक्शन है मेरे भाई। अच्छा नहीं, ऐसा ही मैंने कॉल किया था, आजकल नजर नहीं आ रहे हो, कहाँ पर हो बोल के। कहाँ पे ढूंढ रहे हैं आप हमें? आपको हम मेट्रोविल में ढूंढ रहे हैं। मेट्रोवेल में तो मेरे भाई, मैं कभी जिंदगी में नहीं रही। हैं बाखुदा हूँ, आखानी भी हूँ प्लस तो मैं यही पूछना चाह रही आप। हूँ कि आपने किस चीज के हाँ लिए फोन किया है, बताइए। नहीं, मुझे ना मुझे किसी ने खुद मुझे ये नंबर दिया था। जी बिल्कुल दिया होगा, हम लोग देते भी हैं, डिबेट्स भी करते हैं, डिस्कशन भी करते हैं, हम एक दूसरे की नॉलेज को भी समझने की कोशिश करते हैं। आप इस्माइली आगा खानी है तो माशाल्लाह अच्छी बात है, आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब कुछ चीजें हैं जो आपसे पूछनी थी, अगर आपके पास टाइम है तो इंशाल्लाह बात कर लेते हैं। बहुत टाइम है मैं ऐसा ही फालतू का बैठा हुआ हूँ। फालतू बैठे हैं, चल अच्छी बात है। नाम सही है सही। अच्छा आपका आपका नाम बताना पसंद करेंगे हमें? आरिफ नाम है मेरा। अच्छा, आरिफ भाई आप मेट्रोविल में होते हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, इस्माइली आगा खानी बाय बर्थ हैं या अभी खुद की कोई चॉइस थी, क्या था, कुछ बताइए अपने बारे में। नहीं मैं पहले से ही मैं इसी रिलीजियस में आखानी में हूँ, इस्माइली आगा खानी चॉइस में? वॉइस की बात नहीं। हाँ जी अच्छा, माँ बाप की तरफ से हैं। कभी आरिफ जी भाई जी कभी ये सोचा हो मतलब कि ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं अपना भी आपको तारीफ करवा दूं कि मैं भी इस्माइली आगा खानी रह चुकी हूँ, और मैंने जो है वो तकरीबन 12 साल पहले, अब तो 13 साल होने वाले होंगे, तो तकरीबन मैंने इस वक्त इस्लाम कबूल कर लिया था, इस्माइली मजहब छोड़ दिया था। तो आपने कभी ये सोचा कि आप जिस मजहब में हैं, इस मजहब में आप क्यों हैं, और आप अपने माँ बाप की वजह से हैं या फिर आपने इसको सर्च किया है कि यही इस्लाम है? जी बिल्कुल इस्लाम है, हम अल्लाह को मानते हैं। नहीं, इस्लाम इस्लाम की बुनियाद, जो बुनियादी चीजें कलिमा हैं में वो हम पढ़ते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है, कुरान पाक को हम मानते हैं, रमजान हदीसे, को हम मानते हैं। अच्छा हदीसे जिब्रील अलैहिस्सलाम है, हदीसे जिब्रील अलैहिस्सलाम को जिस तरह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक फरिश्ते आए और उन्होंने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह इस्लाम क्या है, तो आपने फरमाया कि इस्लाम 5 चीजें हैं, तुम अल्लाह की इबादत करो, किसी को उसके साथ शरीक न बिल्कुल ठहराओ, नमाज कायम करो, जकात अदा बिल्कुल, करो, और शिर्क जो है सब बात मुकम्मल होने दो। दुनिया में हर अरे चीज की माफी है लेकिन शिर्क की कोई भाई माफी नहीं है। बिल्कुल अरे भाई हदीस पढ़ रही थी, हदीस जब तक मुकम्मल ना हो जाए उसका एहतराम होता है, सिर्फ मुझे मुकम्मल करने बिल्कुल, आप दीजिए। जकात अदा बताएं, आप करो, बताएं बस। चौथा नंबर जकात अदा बिल्कुल करो और रमजान के रोजे रखो। सही बुखारी की 4777 यानी 777, इसके रावी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह। अब ये थी हदीस, अब इससे डिफाइन होता है कि इस्लाम क्या है। अगर एक इंसान कहता है कि मैं भी मुसलमान हूँ और मेरा मजहब इस्लाम है, तो उसके पास ये 5 चीजें, ये बेसिक है, ये नबी के जबान से इरशाद हुआ, ठीक है। अब इसमें आता है बिल्कुल नंबर 1, आरिफ भाई जिसपे आप और मैं डिस्कस कर कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, नंबर 1 कि तुम बोलो अल्लाह बोलो आप। की इबादत करो, बिल्कुल ठीक है। दूसरा पॉइंट कि किसी को उसके साथ शरीक ना ठहराओ। इन दो पॉइंट पर बिल्कुल अगर हम बात करें, क्योंकि ये दोनों चीजें तौहीद के उसमें आती है, कॉन्सेप्ट में आती है। अब अल्लाह कहते हैं, बिल्कुल अल्लाह सुबहान अल्लाह कहते हैं कि तुम मेरी इबादत करो। अब दुआ जो है सही है वो इबादत का मगज है,
हदीस के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ जो है वो मगज है इबादत का, ठीक है। अब दुआ जो है वो खालिसतन अल्लाह सुब्हान ताला से की जाती है, या अल्लाह मेरी ये मदद फरमा, या अल्लाह मेरी ये पुकार सुन, क्योंकि हमारा ईमान है कि अल्लाह सुब्हान ताला हर जगह मौजूद है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही लेकिन है। अब आपका जो इस्माइली मजहब है उसमें दुआ की जाती है हाजिर इमाम के साथ, ये आपको किसने बोला? मैंने आपको बताया कि मैं इस्माइली आगा खानी रह चुकी हूँ ना मेरे भाई, इसलिए बता रही हूँ मैं आपको। नहीं देखो देखो, अगर कोई कहता है कि इमाम अल्लाह है तो नऊजु बिल्ला, कभी भी ऐसा नहीं है, वो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा। ये ठीक है। जो इमाम है, जिस तरह आपके मस्जिदों में, जिस तरह आपके जहाँ पे भी इबादत जगह है, जहाँ पे इमाम साहब होते हैं, इसी तरह एक गाइडर होता है। जाहिर सी बात है कि उनके जैसे नॉलेज हम में नहीं है, और इससे बढ़ के कुछ नहीं है। ठीक है। मैंने सवाल जो किया ना जरा उस पर मेरे आरिफ ये भाई, मैंने नहीं, ये नहीं आपने पूछा, आपने मैंने ये नहीं कहा। बोला कि हाँ, आप इमाम से मांगते हो, तो आप गलत कह रहे हो। हम इमाम से नहीं मांगते, आप हम इमाम अल्लाह से से नहीं, मांगते हैं। आप इमाम से नहीं मांगते, पक्की बात। अच्छा पक्की बात है ना, हम क्यों झूठ बोलेंगे? जब कलीमा ठीक है, पढ़ते हैं तो खत्म हो जाता है, वहां पे अल्लाह से मांगते हैं। ठीक है। अभी आपकी आपकी इस्माइली दुआ में जब आप कहते हाँ हैं या नूर हाँ मौलाना शाह करीम नहीं अल हुसैनी कुल जमात के गुनाह माफ फरमा, या नूर मौलाना शाह करीम हुसैनी कुल घट जमात के बरकत आ देखिए, फरमा, बोलते आप हैं ना। मेरी बात सुने, बिल्कुल बोलते हैं, आप मेरी बात सुने, हाँ तो मेरे भाई आप मेरी यही बात तो आप दुआ है मेरी ना। बात सुने, सही है। आप मेरी भी हाँ आपने बोलिए इतना कह दिया, तो आप मेरी भी बात सुन लें कि जी जी बोलिए। आप अपने को अली के साथ बराबर करते हो। मतलब समझी नहीं मैं। नहीं, कोई ऐसा है भी नहीं कि अपने को अली के साथ बराबर करे। सही है। दूसरी बात, नऊज़ुबिल्लाह, कि जितने भी दुनिया में पैगंबर है, कि किसी इंसान की बस की बात नहीं है कि उसके साथ अपने को बराबर करे। हमसे आला थे, क्यों अल्लाह के बंदे थे। जो इमाम है वो अली के खानदान से, या आपको शायद सही तरह पता नहीं, आप 12 साल रह चुके हैं आप आखानी मजहब में, और आपको सही तरह आपने छानबीन आपका नहीं किया। आप 23वां, आपका 23वां इमाम का जरा नाम बताइएगा, आपके जो 23वें इमाम है ना उसका नाम बताइएगा। अगर आपको ये लगता है कि आपकी नॉलेज ज्यादा है तो मैं आपको आपके इमामों के पूरे नाम बता सकती हूँ। आपको लगता है कि मैंने बगैर स्टडी किए देखे इस्माइली मजहब छोड़ दिया, आपा ऐसा इधर नहीं है। देखे, ऐसी बात करेंगे ना, ऐसी बात करेंगे तो मैं आपको ऐसे ऐसे वीडियोस में आपको सेंड करूंगा कि लोग अपने मदरसों के नाम पे क्या करते हैं, मौलवी बन के क्या करते हैं, इस तरह के। वो नहीं आप जहन में नहीं डाले कि नहीं आरे भाई, ये पांचों मैंने देखे उंगलियां आरे बराबर नहीं होते हैं आपा। भाई, मैंने आपकी अगर बात आप अगर एक आपका सेकंड, ये काम है तो कि नहीं, हम आप मतलब आप किसी का आप अगर ब्रेन वॉश करना का, या अगर आपका काम है तो ये आपका गलत काम है। आरे भाई मेरे बहुत ही मोहतरम भाई, आपने माशाल्लाह रोजा रखा, अभी आप इफ्तारी कर चुके हैं, मैं जो हूँ अभी बिल्कुल। रोजे की हालत से हूँ, बात सुन लीजिए। मैं नहीं चाहती कि मैं बात बताएं। करूँ। नहीं, मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ। मुझे हाँ किसी ने ये नंबर दिया था, मेरे को आज मुझे याद आया जवाब कि सुन यार लीजिए, जवाब ये दिया तो मुझे सुन किस लिए लीजिए, था, मुझे आज याद आ गया। जवाब सुन लीजिए आरिफ भाई। देखिए मैंने आपको, आपके किसी इमाम को अभी तक कोई गलत नहीं कहा, मैंने एक सवाल किया। आपने कहा ना कि मैंने बगैर पढ़े बगैर समझे इस्माइली मजहब छोड़ा, मुझे इमामों के नाम जो है वो रटे ही हुए मेरे भाई। इवन मुझे ये भी पता है कि किस इमाम की कौन सी औलाद है और वो किस सन में पैदा हुई है। लेकिन मेरे भाई अभी इस वक्त मैं अपनी नॉलेज का आपके ऊपर कोई भरम नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है, हम तकबर नहीं करेंगे। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर मैंने आपसे सवाल ये किया कि अगर दुआ जो है वो आपा एक मेरे आपा भाई, इधर बात मुकम्मल होने दो फिर आप अपनी बात चले चले, करेंगे। आपा चले, आप बताए, चले आप बताए। दुआ जो है मेरे भाई इबादत होती है, और इबादत में किसी और को पुकारा नहीं जाता। ये मेरा जो है ये इस्लाम में अल्लाह सुबहान ताला ने खुद कुरान में फरमाया कि तुम जिन जिन को सही है। पुकारते हो तुम्हारी पुकार नहीं सुन सकते और ना तुम्हें आखिरत में बचा सकते हैं। अब मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप खुद को मुसलमान कहते हैं और इस्लाम के मजहब को मानने वाले कहते हैं,
तो आप आका खान को इबादत में क्यों पुकारते हैं? आपा जी आपा, भाई, आपको एक बात करूं, जी भाई। अब्दुल्ला शाह गाजी मजार है, काफी बड़ा मजार है, मैं कराची में रहता हूँ, सही है। लोग वहां जाके मिन्नतें करके अपने सरे फाड़ के, नूरानी है, दुनिया भर के मुसलमान, दुनिया भर के मुसलमान नूरानी जाते हैं, है? जाते हैं बिल्कुल। क्यों जाते हैं लोग, क्यों जाते हैं लोग? जाहिर सी बात है, किसी ना किसी का तो पुकार सुना होगा तो आज जाते हैं ना। जो आरिफ भाई, हाँ अगर आप किसी हिंदू से पूछेंगे ना, तो वो बोलेगा बिल्कुल मेरी पुकार मेरे मंदिर में पड़ा हुआ भगवान सुनता है, तो वो उसका बिल्कुल बिल्कुल आपा, के वो अगर कहता है कि वो अगर सामने पत्थर को रख के अगर वो खुदा कहता है, तो वो खुदा से ही मांगता है। वो उसके हमारे नजर में वो पत्थर है, लेकिन उसके नजरिए से वो पत्थर नहीं है। अगर ऐसी लॉजिक जो आप कह रहे हैं, तो फिर मौला अली को क्या जरूरत पड़ी थी कि खाना काबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना मुबारक पर चढ़कर वो एक एक बुत को तोड़ते? फिर वो भी तो कह सकते थे कि इनके थ्रू मांगो या मेरे आपा थ्रू मांगो, आपा मेरे इधर भाई देखो, हजरत नूह अलैहि सलाम लड़की का वाकया है कि पूरा दुनिया को जो है गर्क कर दिया गया था। क्यों लड़की। किया था ना, किया है ना, तो कहां से फिर काफिर पैदा हो गए? काफिर इसलिए पैदा हो जाते हैं क्योंकि शैतान उनके दिलों में इस तरह की बातें डालते हैं कि तुम्हें अल्लाह तक अगर पहुंचना है तो तुम्हें किसी बुत, पत्थर, जानवर, जिन, इंसान, किसी की आपको जरूरत आपा पड़ने वाली है। आपा मैं आपको अपना दीन का एक शॉर्टकट में एक शॉर्ट शॉर्टकट एक मतलब मैं शॉर्टकट में आपको अपना दीन का जो है ना, मैं आपको मैं बताता हूँ शॉर्टकट में मेरा दीन क्या है। मेरा अपना जाती दीन मैं आपको बता रहा हूँ, सही है। मैं अपना जाती दीन बता रहा हूँ, हमारे जो आखानी जो है, जो असल जो जिनका जो दिमाग जो है ना, जो पढ़े लिखे लोग है उनका दीन बता रहा हूँ, और किसी का नहीं। जो कदीम जमाने का है उनको छोड़ दो, सही है। हमारा जो दीन है वो है भाई, किसी का बुराई नहीं करना, सही है, किसी का मजहब पे उंगली नहीं उठाना, चाहे वो जो भी हो, यहां तक कि वो काफिर वो किसी चीज को भी नहीं मानता हो, जिस तरह चाइना वाले हैं, कि हमारा ये दीन है कि भाई के किसी के लिए दिल में खोट नहीं रखना बस। अभी जो मैंने इस्लाम की तारीफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से आपको मेरी बताई, बात सुनो, आपके ये अपना आपको क्या नबी समझिए आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बराबर कर रहे हो? मेरे भाई, दीन तो वही है जो नबी लेकर आए। अब आप अपनी नहीं नहीं अंडरस्टैंडिंग सही से, है, नहीं आप यानी कि आप उसके साथ अपना आपको बराबर कर रहे हो। आप कॉल करो, जाओ काफिरियों का अमेरिका में जाओ, चाइना जाओ, आप वहां जाके तबलीग दो, इतना इतना शौक है तो आपको। नहीं आरिफ भाई, मैं जिस जगह बैठी हूँ ना, यहाँ पे सारे अगर आप में, अगर आरिफ आप में इतना इतना तड़ है ना, अगर आप में इतना आपका आपको नॉलेज है, तो जाओ आप अमेरिका जाओ, दुनिया के इतना यूरोप कंट्रीज भरे पड़े हैं जो काफिर है, आप जाकर उधर तबलीग करो, आपको मैं मान भाई जाऊंगा। मान जाए। अभी मैं आपको बता देती हूँ, मैंने अभी जो रिसेंटली यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ पे एक लड़की ने कलमा पढ़ा है, वो ना इस्माइली थी ना वो हिंदू थी, वो अंग्रेज थी। तो आप क्या मैं उससे आपकी बात करवा दूँ? आप मान जाओ मुझे, मैं यहाँ अरे बात, मेरे छोड़ दो भाई, यार, आरिफ भाई, यहाँ पे ये चीजें बताने वाली नहीं होती हैं, लेकिन हम जहाँ पर भी होते हैं हम वहाँ बैठ के दीन की तबलीग करते हैं, ठीक है? हमारे लिए इस्माइली मैं के आरिफ लिए। नहीं हूँ, मैं कोई और बात कर रहा हूँ। सलाम अलैकुम कह रहा हूँ मैं आपके वालेकुम पास से। सलाम व रहमतुल्लाह, कैसे हो भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम बताइएगा अगर आप आरिफ भाई नहीं है तो। मेरा नाम बुरहान है। जी बुरहान भाई, आपको हमारे मजहब के बारे में क्या पता है, मुझे बस ये बताएं आप मुझे। देखिए जो मुझे पता है उस हिसाब से, तो मैं जब बात करती हूँ तो इस्माइलियों को उनके उनके अपने मजहब के बारे में कोई जवाब नहीं था। जिस तरह अभी आपका भाई बात कर रहा था, करते करते चला गया इधर उधर की बातें। जब मैं देखिए हदीस से जब मैं एक बात बयान कर रही हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम क्या है, इस्लाम पांच चीजें हैं। तुम अल्लाह की इबादत करो, किसी के साथ उसका शरीक न ठहराओ अल्लाह को, नमाज कायम करो, जकात अदा करो, रमजान के रोजे रखो। सही इस्लाम का आप बताऊँ मुझे मतलब बता सकती हैं? आप इस्लाम का मुझे मतलब बता सकती हैं मेरे क्या भाई, है? मैं अच्छा फिर सुनिए, जवाब सुनिए, ठीक है ना? आप मेरे साथ जी थोड़ा आप मुझे कॉपरेट जवाब दें। कीजिएगा, क्योंकि बुरहान भाई जी आपने आप तो माशाल्लाह इस्लाम का रोजा खोल मतलब। लिया होगा, मेरा भी रोजा है, तो मैं बात रिपीट नहीं करना चाहती। सिर्फ मैं, मेरी अपनी इस्लाम की नॉलेज क्या है या आपकी क्या है या फलां की क्या है, इट डजेंट मैटर।
असल में नहीं, नबी क्या, मैटर सुन करता है, देखिए नॉलेज लीजिए की ना, असल बात है। जवाब सुन एक लीजिए शरत और अल्लाह कहते हैं अल्लाह को सब पता है, अल्लाह सब जानता है। ना, आप जब सवाल कर चुके तो अब आपको थोड़ा सा मेरे साथ कॉपरेट करना पड़ेगा मेरे जवाब खत्म होने तक, वरना फिर तो ये जी लंबी जी बिल्कुल चलेगी बात ना। फरमाए। जी जी आप मुझे बताइए। आपकी मेरी अपनी नॉलेज, आपकी नॉलेज मेरी नॉलेज इज कंपेयर टू हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी नहीं है, हम खाक है। नबी ने अपनी बिल्कुल कुछ नॉलेज भी जो नहीं है। उनको अल्लाह ने अता की, उनके पास फरिश्ते आए उसको कंफर्म करने के लिए और पूछा कि या रसूल अल्लाह इस्लाम क्या है। अब आपने भी सवाल किया कि इस्लाम क्या है, तो मैं इस्लाम की जो डेफिनेशन मैंने जो सीखी है वो नहीं, मेरे नबी ने जो बताई मैं वो आपको बता रही हूँ। आपने फरमाया इस्लाम ये है और क्या है, फिर आपने बताया अल्लाह की इबादत करो, किसी के साथ शरीक ना किया। नहीं मैंने तो ये नहीं बताया आपको, आपने बताया था ये मुझे इस्लाम ये है, इस्लाम में पांच ये हैं, आपने मुझे इस्लाम का डेफिनेशन नहीं बताया अभी तक। डेफिनेशन की मतलब तारीफ, इस्लाम होता क्या है, तो नबी बता तो रहे मेरे भाई, नबी बता नहीं रहे जी, क्या आपको, बता रहे हैं मुझे बताएं आप नबी ही, आप बता मुझे रहे हैं। बताएं क्या बताया। सही बुखारी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ते को बता रहे हैं कि इस्लाम क्या है, तुम अल्लाह की इबादत करो, किसी को इसके साथ शरीक ना ठहराओ, नमाज कायम करो, जकात अदा करो, रमजान के रोजे रखो। सही बुखारी 4777, रावी अबू हुरैरा रजी अल्लाह। अब ये नबी ने डेफिनेशन बता दी इस्लाम की, अब आपको और मुझे इस डेफिनेशन के हिसाब से ही इस्लाम को फॉलो करना है। आप क्या सोचते हो, या अलीना क्या सोचती है, या करीम क्या सोचता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो कुछ और डेफिनेशन पता है इस्लाम का। तो ये मैं आपको हदीस भेज देती हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस की डेफिनेशन ये बताई है। देखें इस्लाम का मतलब होता है सरेंडर करना, सरेंडर समझती हैं आप? आप कह रहे हैं कि सबमिट कर देना, ठीक है, सबमिट कर देना खुद को। वो मुस्लिम की डेफिनेशन है मेरे भाई। इस्लाम अगर आप लिटरल मीनिंग में लेते हैं तो इसका मतलब इस्लाम पीस है, मुस्लिम है द वन हु सबमिट्स हिज विल टू अल्लाह सुब्हान व तआला, अल्लाह की पीस है, हर आप हुक्म पीस पर। की बात कर रही हैं पीस इज इस्लाम, आप। जी, मेरी बात आपने सुन पीस लीजिए। की बात की, लेकिन अब ये जो मेरा भाई था ये बेचारा, तो इसको गुस्सा आ रहा था ये, लेकिन यहाँ पर मुझे पीस कहीं नजर नहीं आया। वैसे ये इसको क्यों गुस्सा आ रहा है, चीज आप इसको वैसे पूछो मिसिंग ना, थी यहाँ पर। नहीं आरिफ भाई को पूछो ना कि गुस्सा क्यों आ रहा था उनको, जबकि अगर गुस्सा मैंने जाहिर एक सी बात है, आपने आपने आगे से कुछ कहा होगा तभी इसको गुस्सा आया होगा ना उस। बुरहान भाई, मैंने तो अपने भाई आरिफ से एक ही बात कही कि अल्लाह कहता है कि तुम मेरी इबादत करो, इबादत जो है वो दुआ इबादत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि असल में दुआ ही इबादत है, ठीक है। अब दुआ में ये अपने इमाम को पुकारते हैं, अपने इमाम से हर चीज मांगते हैं, मैंने इनसे सिर्फ इतना सवाल किया कि अल्लाह कहता है कि मेरी इबादत करो, आप आगा खान से इबादत क्यों करते हो, इस पे गुस्सा करने वाली क्या बात थी, जवाब देने वाली बात थी ना मेरे भाई। आप वैसे आप बहुत अजीब बात कह रही हैं, मतलब इमाम जब हमारा नहीं था तब क्या हम इबादत नहीं करते थे? तब आप हम मुझे किससे बताएं, मांगते थे? तो मैं यही आपसे सवाल कर रही हूँ कि जब आपको फितरतन अल्लाह सुब्हान तआला ने मुसलमान बना के भेजा तो आप इस्माइली क्यों बन गए। इस्माइली क्यों बन गए? इस्माइली देखें इस्लाम से निकला है। अब इस्लाम आप कहेंगी भाई इस्लाम, आप इस्ला मुस्लिम क्यों, आप यही सवाल करेंगी बाद में। इस्माइली क्यों कहते पता है हमें? आपको पता है हमें इस्माइली क्यों कहा जाता है? आप लोग अपनी निस्बत इस्माइल बिन जाफर सादिक रजी अल्लाह से लेते हैं, ठीक है, और तो उसका इस्माइल शाह कहाँ मिलता है आपको? जाके आपको अली से मिलता है ना। मेरे भाई उसी शाह के एक और इमाम, इमाम मुस्तनसर बिल्ला, जो आपके निजार के भाई थे, बड़े छोटे भाई थे, वो भी तो उसी शाह के हैं, लेकिन उसने क्या किया, उसने आपके इमाम को कत्ल कर दिया। अब मुझे ये बताइए कि क्या ये किसी की शाख से होना इस बात की दलील है कि वो हक पर होगा और वो सच पर होगा, और वो अगर इस्लाम में तब्दीली करेगा तो वो अल्लाह के हुक्म से करेगा। एक ही घर के कौन सी दो भाई तब्दीली, हैं, कौन सी तब्दील, आप कौन सी लोगों तब्दीली ने, की है आप मुझे बताएं? आप लोगों ने नमाज को दुआ में नहीं तब्दील किया, जाहिर है किया है। किया है ना, तो ये अल्लाह के नबी ने जो नमाज का तरीका बताया, जिस तरह से कयाम है, रुकू है, सजूद है, तशहद है, आप लोगों की तो दुआ में ऐसा होता ही नहीं है, आप लोग तो बैठ बैठ के पढ़ के आ जाते हो, बराबर में औरत बैठी है, मर्द बैठा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग जो सलाम फेरना होता है, फरिश्तों को सलाम करना होता है, आप लोग एक दूसरे के हाथ मिलाना शुरू कर देते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक दूसरे से जब मिलो तो सलाम करो, आप लोग कहते हो या अली मदद, आगे वाला कहता है मौला अली मदद, क्या ये नबी ने सिखाया या ये हजरत अली ने सिखाया।
मौला अली ने तो कभी इस तरह का सलाम नहीं किया। वो आप उठाकर देख लें नहजुल बलागा, मौला अली के कलामात और उनके खुतबा जात की किताब है जिसको सारे शिया और इस्माइली भी मानते हैं, उसमें कहीं पर भी मौला अली ने ऐसा सलाम नहीं किया। मौला अली तो सलाम करते थे और पूरा मुकम्मल करते थे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व या बरकातुहु। अली, मदद तो सिर्फ हम नहीं, शिया भी करते हैं, शायद आपको पता नहीं ये वो बात। सलाम के तौर पे नहीं करते मेरे भाई, शिया जब मिलता है तो सलाम करता है, वो अगर मदद मांगता है तो वो या अली मदद अलग से बोलता है। आप लोगों ने अपना सलाम तब्दील किया है, आप लोग जब आपस में मिलते हो तो एक दूसरे को सलाम नहीं करते, आप कहते हो या अली मदद और मिलने वाला कहता है मौला अली मदद, तो आपने सलाम कितने काम तब्दील किया। सलाम नहीं करते। मैंने भी आपसे क्या, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, सलाम किया नहीं किया। आप जब इस्माइलियों के साथ नहीं होते, मैं भाई इस्माइली रह चुकी मैं हूँ ना देखे, बात सुने बुरहान आप, भाई, आपको यही शायद तो, हमारे यही तो भाई ने इंसान के बताया साथ मसला है नहीं। ना। देखें एजम्पशन, और ये जो एजम्पशन वगैरह जो है ना, नहीं इनकी मतलब वो ये समझते हैं कि हम जो बस जो कहते हैं इंसान, बस हर कोई यही करता है। मैं तो इस्माइली के आपको, साथ सलाम, मैं इस्माइली को भी अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ, आप बताएं। तो ये फिर आपका अपना इंडिविजुअल कॉल होगा। मैं आप लोगों की किताब इस्माइली दुआ जो सेकेंडरी की किताब है उसमें लिखा है कि मैं आपको किताब खोल के उसका स्कैन भेजती हूँ कि हम जब मोमिनों से मिलते हैं तो हम उनको कहते हैं या अली मदद, और हमारा मोमिन भाई कहता है मौला अली मदद। रहीम अलैकुम। भाई हमारे साथ मौजूद है, रहीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे साथ बुरहान भाई मौजूद हैं, बुरहान भाई कहते हैं कि ये इनका सलाम तब्दील नहीं हुआ, ये सलाम ही करते हैं। अब आप भी इस्माइली रह चुके हो, मैं भी इस्माइली हूँ, ये हमारे कैसे कह सकते हैं कि ये आपस में मिलते हैं तो सलाम करते हैं? इनका जरा सलाम बताइएगा और जवाब भी जरा बताइएगा रहीम भाई। ये जब भी मिलते हैं सलाम तो नहीं करते, पर इनका जो सलाम है वो या अली मदद है, और जवाब उसका होता है मौला अली मदद। ठीक है, अल्लाह की जगह ये लोग अली से मैं तो मदद सलाम मांगते हैं। करता हूँ, भाईजान, अगर मैं आप तो सलाम सलाम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है ये, अगर आप सलाम करते हैं, ये आपका अपना फेल है, ठीक है ना। और बाकी तमाम जो इस्माइली और ये हैं, इनका नहीं है, क्योंकि इन पे ये चीज वाजिब ही नहीं की गई। इनको शुरू से ही सिखाया गया है कि आपने सलाम नहीं करना, आपने या अली मदद कहना है। अल्लाह के बंदे, मैं बचपन से, अब मैं 24 साल का एक बंदा हूँ, आज तक मुझे किसी ने बताया नहीं कि आपने सलाम नहीं करना या अली मदद कहना, आज तक मैंने किसी से सुना नहीं है। आप लोग बड़ी बात है, पता बड़ी नहीं बात कहाँ है से ये। अगर सीख लिए ये आपको समझ ही नहीं पता आता। नहीं, हम तो बचपन से ही भाई यही अपने आरईसी में भी यही सीखते हुए आ रहे हैं, बड़े हो गए उसके बाद भी यही सीख रहे हैं। हमारे इवन दूसरे जो हमारे फैमिली के बच्चे हैं, उन लोगों ने भी आरईसी में यही सीखा, यार आप तो कुछ सलाम से कुछ तो तो बोल, चढ़ते हैं ये आप लोग। कुछ भी बोल दोगे ना, नहीं, ये आप आपकी तो सोच कुछ है भी ना बोल कि हम दोगे, अगर कुछ भी बोल रहे हैं, ये आप आपकी अपनी सोच है मेरे सोच भाई। को, आप अपनी सोच को जाहिर सी नहीं, बात है देखो साबित बुरहान करने के लिए आप कुछ ना कुछ बोल दोगे आगे से। भाई, आप अगर इस चीज पर जिद पर हो तो कोई बात नहीं, हमें आपको नीचा नहीं दिखाना या हमने अपने आपको कोई बड़ा नहीं मुझे बनाना। मुझे कोई जिद नहीं है, देखे मुझे कोई जिद नहीं है, अभी आपने ये बुरहान भाई, अभी आपने कहा कि आप लोगों का नमाज की जगह दुआ होती है और ये तब्दीली हुई है। अभी मैंने आपको इस्लाम की तारीफ बताई, हमारे प्यारे नबी ने कहा कि नमाज कायम करो, आपने वो नमाज छोड़ के दुआ पढ़ना शुरू कर दी है, तो आपने तब्दीली तो की है ना इस्लाम में मेरे भाई। हर सी बातें की होगी, की होगी नहीं, की है मेरे भाई, की है, जिसको फॉलो भी किया जा रहा है। की होती ना तो फिर वो उस जमरे में आती कि कोई फॉलो कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, किसी को पता है, किसी को नहीं पता। ये 100% की गई है, जिसको फॉलो भी किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जी बिल्कुल की गई है, जो ठीक है ना। हकीकत तो है ये तो मेरे वही भाई की इस्लाम के अगेंस्ट हो गया ना, ये तो इस्लाम का पार्ट नहीं हुआ ना। फिर इस्लाम में जिस चीज के लिए मना किया गया उस चीज को फॉलो करना, तो टोटली अगेंस्ट ऑफ इस्लाम हो गया ना ये तो, जो एक अगेंस्ट कैसे मुसलमान हो गया, कभी नहीं करता। अगेंस्ट कैसे मतलब मुसलमान जो चीज नहीं करता वो हम करें तो ये अगेंस्ट हो जाता है। हमारे अगेंस्ट नहीं होती, नबी के हुक्म के अगेंस्ट हो जाती है। हम मुसलमानों एग्जैक्टली का अपना कोई भी फेल नहीं होता, हम फॉलो करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आपने जो दुआ में तब्दीली कर दी है ना, तो आपने नमाज को दुआ बना दिया, आप लोगों ने मुसलमान को तकलीफ नहीं दी है, आप लोगों ने इस्लाम पर वार किया है, इस्लाम में जो हुक्म है अल्लाह का नमाज पढ़ने का आपने उसको तब्दील किया है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को तब्दील किया है। यार। देखो मैं बात सुने आप, अब मैं कोई, अब आप ये आरसी वगैरह कह रहे थे ना, दीनी वगैरह, आपने तो वो भी पढ़ा है, कुरान सब कुछ आपने, हदीस सारे आपको याद है। अब जाहिर सी बात है मैंने अपनी जिंदगी में देनी भी नहीं पड़ी है, देखिए जाहिर सी बात है मेरी नॉलेज है ही नहीं, मैं अभी आपके साथ बहस कर भी नहीं सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक देखें, मैं थोड़ा लॉजिकल और मैं ओपन माइंडेड बंदा हूँ,
तो देखें, अगर मजहब हमारा बिल्कुल सार सब कुछ गलत होता, हमारे मजहब में बिल्कुल हमारा मजहब ही गलत होता, ये कोई हवा होता, तो जाहिर सी बात है आज ये इस्माइलिज्म होता ही नहीं, क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। तो कितना सा है भाई बुरहान भाई, आप लोगों ने कभी काउंट किया जमात खानों की और आपकी जो पॉपुलेशन कितनी है? कितनी है? आप लोगों का अगर बहुत ही खुला हिसाब भी लगाया जाए तो 15 लाख है, और वो भी खत्म हो रहे हैं क्योंकि तो बच्चे जो है वो इस्माइली नहीं बन रहे। माशाल्लाह, वैसे सोना कम ही होता है दुनिया में। 15 लाख भी है और वो भी नॉन प्रैक्टिसिंग, जिसमें से आधी जमात जो है वो खोजा है, जो कि कनाडा टोरंटो यूएसए में जो है वो नाच गाने कर रही है, आधी कराची की हर खोजा। जगह है। नाच गाना मेरे भाई मजहबी जगहों पर नहीं किया जाता इस्लाम के नाम पर। आप लोगों का जब वो डायमंड जुबली तरक्की बहुत होता की है, वैसे हम लोगों ने। सालगिरह होती है, आप लोगों की चांद रातें होती हैं, डायमंड जुबलीज होती हैं, तो उसमें क्या चल रहा होता है? डांडिया, गरबा, रासड़ा, ये चल रहा होता है ना, म्यूजिक चल रहा होता है, जाहिर सी बात है, आप खुशी में मातम थोड़ी होगी, आप खुशी का मामला होगा तो जाहिर सी बात है डांस ही करेंगे ना, बस इस पर जरा अब बात मातम करो, थोड़ी मेरा होगा मन वहां पर। इस स्टाइल का खुशी बना हुआ है, में उससे बात कर लो। मेरे भाई, खुशी में सेलिब्रेशन होता है, ठीक है, हर इंसान करता है। घरों में बच्चों की बर्थडे होती हैं, बर्थडे पार्टीज होती हैं, वो भी एक सेलिब्रेशन होती हैं, बट इट जी डजेंट मीन कि महरम और ना महरम का फर्क ही खत्म कर दिया जाए, किरण जी भाई, ठीक ठीक है है, ना। आप ये चीज ये तो इस्लाम देखें, में, आप इसको इस्लाम में, मजहब में इस्लाम में देखें, नहीं है। बात सुने, आप इसको मजहब में इंक्लूड ना करें। मैं आपको जरा बता दूं, ये आपस में डांस करना ना, ये जाहिर सी बात है, ये नॉन इस्माइली के अंदर भी बहुत सारे लोग मेल फीमेल डांस करते हैं। आप हर नहीं चीज मजहब के अंदर ना घुसा दे, कल्चर भी नाम की एक चीज होती है मेरे भाई, क्या हो गया। देखें, मजहब इस्माइली मजहब जो है वो इमाम क्या कहता है कि ये मैं आले नबी हूं औलादे अली हूं, ठीक है, ऐसा इमाम का है फरमान। क्या बोलते हैं इमाम का फरमान है ना कि मैं आले नबी हूं औलादे अली हूं। यार, मैं तो फरमान ही नहीं सुनता, मुझे क्या पता रबो आप नहीं क्या कहता सुनते है। तो यार ये मैंने बात अभी फिर आप बहुत अभी पक्के आपसे इस्माइली क्या है, देखें फिर तो अभी आप आपसे बहुत पक्के क्या अर्ज इस्माइली किया हैं। मैंने, मैं अभी उसी बात आपसे के मैंने ऊपर क्या आ रहा हूँ अर्ज मेरे किया? भाई, मैं उसी बात के ऊपर आ रहा हूँ। जब एक शख्स जो कि खुद को ये क्लेम करता है कि मैं आले नबी हूँ, नबी की आल में से हूँ, ठीक है, तो नबी की आल में से होने का मतलब ये है कि वो नबी की जितनी भी सुन्नतें हैं, जितनी भी अहादीस हैं, उनके ऊपर बाकायदा सख्ती से अमल करने वाला बंदा होगा वो, अगर वो उसकी आल में से होगा तो। जबकि इमाम की जी, जितनी भी आप एक्टिविटीज देख लो, वो तमाम नबी के फरामीन के अगेंस्ट हैं। ये हम अपनी बिल्कुल तरफ से मेरे भाई नहीं कह रहे, ये इमाम की खुद की जो है ना, खुद का जो है वो रिकॉर्ड है, जो कि बाकायदा न्यूज़पेपर्स में भी पब्लिश हुआ है, आर्टिकल्स में भी पब्लिश हुआ है, ये वो बता रहा है, ये हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे। अगेंस्ट आप जरा जरा एक्सप्लेन करें, क्या अगेंस्ट, क्या काम किया अगेंस्ट ये मुझे देखें, बताएं। नबी ने अल्कोहल को हराम करार दिया गया है, ठीक है, जी हराम तो करार दिया है कि भाई ये शराब तो आप नोशी जो है वो जी हराम है बिल्कुल बिल्कुल इस्लामी सही मजहब के फरमाया अंदर, आपने, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। जबकि इमाम और इमाम की टोटल फैमिली शराब खुद भी पीती है, और इमाम का खुद का ये शराब का बिजनेस भी है, ठीक है, देखें आप सही बात है ना, यही देखें जबकि बात वो सुन, खुद मैं आले कहाँ से, नबी है। एक मिनट बात जी सुने आप, जी जी इस जी बात पे तो मैं बिल्कुल आपसे एग्री नहीं करता हूँ कि वो खुद भी शराब पीते हैं, उनकी फैमिली का बिजनेस है। अरे अल्लाह के बंदे, क्या अच्छा, हो गया यार, आपको मेरी अम्मी जो कितने, बात सुने, मेरी अम्मी हाँ जो है जी ना, जी मेरी अम्मी रोज घर पे आके कहती है कि मौला का फरमान है, नशे से दूर रहना, नशा नहीं करना, नशे से दूर रहना, नशा नहीं करना। यार मैं कैसे एग्जैक्टली आपकी मेरे बात पे भाई, यकीन करूं? यही यही बिल्कुल। देखे मेरे भाई, मेरी बात सुने, हमारा किसी को डिग्रेड करने का मकसद नहीं है, ठीक है। हम जब इस्माइली थे ना, तो आप यकीन करें हमें भी यही बिलीफ होता था कि हमारा इमाम जो है नशे से हम लोगों को दूर रखने का जो है फरमान जो है जारी किया है उसमें, कि आप हर नशावर जी चीज से दूर रहें, ठीक है। जी पर अब जब हम देखते हैं ना इमाम की खुद की एक्टिविटीज को, आपको मैं कितनी कहाँ पिक्चर्स देखे दिखा आप? दूं, सुन ले मेरे भाई, मैं आपको कितनी ऐसी हम लोग पिक्चर्स दिखा सकते हैं जिसमें इमाम खुद पार्टीज में बैठे हैं, उनकी फैमिली बैठी है, और प्रिंसेस ज़ारा तो खुद शैंपेन की बॉटल खोल रही है, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, अगर वो खुद अपनी जमात को कह रहे हैं कि आप नशे से दूर रहो, और खुद नशे में मुलव्वस हैं, इन कामों में मुलव्वस हैं, इन कारोबारों में मुलव्वस हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे, आप खुद बताएं, इस बात का जवाब दें। यार अगर कोई ऐसी वीडियो है तो आप मुझे भेज दें, मैं खुद इनसे सवाल करूंगा कि भाई ये क्या चीज़ है, आप मुझे बताएं, ठीक है मेरे भाई, होटल आप मुझे सेरीना, होटल सेरीना किसकी है, ओनर कौन है उसका?
यार मुझे नहीं पता ये किसकी है। मैं ठीक है, आगा खान की ये मेरे भाई गालबन, और आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, होटल सेरिना में खुले आम गूगल को शराब आप बिक रही छोड़ है। दें ठीक यार, गूगल को आप छोड़ दें, मैं खुद ब्लॉगर हूँ, मैं खुद अनशन कुछ ना कुछ लिखता हूँ आर्टिकल के अंदर, इसको छोड़ दें नहीं, गूगल को, आप मुझे वीडियो की बात करें। मैं किसी लोकल आर्टिकल की तो बात ही नहीं कर रहा ना। अभी मैं आपने आप वीडियो कुछ की सर्च बात की करेंगे, थी तो आपको मैं बहुत सी आपकी चीजें वीडियो मिल मांग रहा हूँ। जाएंगी मेरे भाई, बहुत सी चीजें नहीं मिल जाएंगी, हम आपको नहीं प्रोवाइड कर मैं सकते हैं। आपसे चाहिए, बिल्कुल आपसे ही मुझे चाहिए, अच्छा, क्योंकि देखें मैं प्रूफ नहीं मांग रहा हूँ आपसे, मुझे खुद चाहिए ताकि मैं अगले को अपने जमात को दिखा सकूँ जो बड़े मेंबरान है। ठीक है, मैं बिल्कुल करता यार, बिल्कुल, और कोई मेरा मसला भैया नहीं की है तैयारी, क्या सीन है जी। बुरहान जी भाई, अगर आप इजाजत आपकी मिले तो आप ये अगर लाइव स्ट्रीम पे आ जाते हैं ना, तो मैं आपको साइड बाय साइड आपके इमाम की वेबसाइट को ओपन करके हर चीज दिखा देती। अभी फोन पे तो ये होता है ना कि हम आपको लिंक सेंड करेंगे, आप उसको खोलोगे। अगर आपको वाकई हक और सच की तलाश है तो आपको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आपकी बहन हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ आप लाइव स्ट्रीम पे आओ, मैं आपको जो जो आप चीज हम बात करेंगे हम आपको प्रूफ दिखाएंगे, वो भी आपके इमाम की अपनी वेबसाइट से। ठीक बिल्कुल, और उसको आप जो है फिर अपने जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे आप कंफर्म कर सकते हैं, और अगर आपको जवाब मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो फिर आप इवन खुद सच और गलत का फैसला कर सकते हैं। मेरे बिल्कुल, मैं पास चाहूंगा इसको पूछना, मैं भी, बिल्कुल चाहूंगा, लेकिन जी आप जी जी जरा जी सोच तो करते हैं। जी तो रहीम भाई आप बात कर लीजिए भाई से, अगर भाई के जी पास जी जी टाइम है बहन, तो इनशाला आज हम बात कर लेते हैं, मैं इनको वीडियोस भी लाइव स्ट्रीम पे दिखा देंगे, उनको तरीका बता बिल्कुल बिल्कुल, दूंगी। तमाम चीजें, तमाम तर जो जो ये मांग रहे हैं ना, वो सारी चीजें इनको दिखा देंगे। ये चाहें तो वो लाइव स्ट्रीम को अपने पास सेव भी रख सकते हैं, ठीक है, लिंक तो होगा इनके पास, और वो सारा इनके पास प्रूफ आ जाएगा, ये कंफर्म कर सकते हैं हर एक चीज को फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव से। जी जी बिल्कुल, अगर तो ऐसी बात बुरहान है भाई, तो फिर आप बता दें आपके पास को जो फ्री टाइम हो, ठीक है, क्योंकि रमजान का मंथ है तो जाहिर सबको, हम भी थोड़ा मसरूफियात रहती हैं इबादत वगैरह करने के हवाले से, मैं और आप रहीम बता दें जो भी टाइम है आपका फ्री तो हम उसको एडजस्ट करते हैं इंशाल्लाह, और फिर भाई, आपके साथ। जी बहन, जी रहीम भाई बहन, मैं तकरीबन 1-1.5 घंटे में बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी, आप भाई से बात कर लीजिए, इंशाल्लाह हम 1.5 घंटे के बाद आ जाते हैं लिंक पर, और भाई भी आ जाए वहां पे, जितने आपके जो आरिफ भाई हैं उनको भी ले आइए, और हम अच्छे से बात कर सकते हैं विद प्रूफ। जी 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल, बुरान भाई आपको सही है, फिजिबल रहेगा 1-1.5 घंटे के अंदर अगर हम रख लें तो? नहीं आप अभी भेज दें मुझे वीडियो, मैं देखना चाहता हूँ। नहीं, एक चीज, एक वीडियो नहीं है ना मेरे भाई, जगह जगह से काफी स्टफ होगा जो हम आपको वन बाय वन स्लाइड्स पे सब कुछ दिखाते रहेंगे, जी, ठीक है बस ना, आप उस पे। मुझे हाँ, वो वीडियो दिखाइएगा जिसमें वो इमाम शराब पी रहे हैं। आप आप एक काम कीजिएगा, आप आ जाइए लाइव बोतल स्ट्रीम मुंह पर, में जो है ना, या तो ग्लास मुंह में ले रहे हैं या कोई बोतल, ऐसी कोई वीडियो आप मुझे दिखा दीजिए, वो आप हम आपको फरामीन भी बताएंगे उनके इमाम के, आ इसी से जाइए, रिलेटेड आप आ इंशाल्लाह। जाइए नहीं, लाइव स्ट्रीम फरामीन पर। तो खैर मुझे पता है, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, आपको बताने की जरूरत है भी नहीं। देखो चलें, बुरहान अच्छी भाई, बात है, अच्छी बात है। आप एक काम कीजिए, आप 1.5 घंटे के बाद इंशाल्लाह आप कांटेक्ट करें मुझे, हम लाइव स्ट्रीम का लिंक बनाएंगे, आप जो जो चीज मांगेंगे इंशाल्लाह आपको लाइव पर इंशाल्लाह मैं सारे दिखाऊंगी, आप जो जो चाहेंगे, जो वीडियोस, फरमान, पिक्चर्स, ज़ारा आगा खान भी शराब और सिगरेट पी रही है वो भी विद प्रूफ, आज आना है आपने ना, फिर भागेगा नहीं मेरे भाई, अगर सच तलाश कर रहे हो तो हिम्मत जुटानी पड़ेगी। अच्छा, तो ठीक है भाई, आपने इस्माइली से फिर मजहब कन्वर्ट किया खुद को? जी मुसलमान बिल्कुल हो भाई, गए इन्हीं चीजों को देखते हुए, यही चीजें जो हमारे सामने आई जिनकी वजह से कॉन्ट्राडिक्शंस थी, जो बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शंस थी, इन्हीं की वजूहात पे हमने क्वेश्चंस रेज किए जिनका हमें जवाब नहीं मिला। जब नहीं मिला तो जाहिर है फिर हमने खुद इस चीज को वो देखा कि जब जवाब ही नहीं है किसी के पास तो इट मीन्स के ये सही रास्ता नहीं है, ठीक है ना, जो इस्लाम के अंदर बताया गया है हमें कि जो सही रास्ता है वो कौन सा है। तो देखिए, क्या फर्क हुआ फिर, आप कन्वर्ट होने के बाद फिर पुराने वाले में और नए वाले में क्या फर्क हो गया? भाई हो चाहे रहीम भाई चाहे मैं, हमारी ख्वाहिश यही होती है कि हम इस्लाम को फॉलो करें, हम उस दिन को फॉलो करें जो अल्लाह ने दिया है, तो उसके लिए हमें सबूत मिलता है कुरान से, जो चीज कुरान में है वही इस्लाम है, जो चीज हदीस में है वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल में कानून मेरा है। सवाल देखें आपसे, पता है क्या है मेरा सवाल? अभी मैं इस्माइली हूँ, इस्माइली हो के अगर मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, मैं कुरान भी पढ़ता हूँ बाकायदा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 रोजे भी रखे हैं, अभी तक 3 ही हुए हैं ना रोजे, रोजे
रोजे भी रख रहा हूँ तो क्या फर्क रह गया आप और मुझ में, मुझे ये बात नहीं समझ आती। मैं शिर्क का मेन फर्क भाई शिर्क का है, शिर्क अल्लाह के बंदे में शिर्क नहीं कर रहा, तो मैं आप आप कैसे नहीं कह कर सकते रहे हो मैं मेरे शिर्क कर भाई। रहा हूँ? मेरे भाई मेरी बात सुने, देखें पांचों उंगलियां कई का यह कहा जाता है कि बराबर नहीं है। कई ऐसे स्माइली भी नहीं है अपने शौक से रोजे रखते हैं, ठीक है, जबकि इमाम का फरमान है खुद का कि हमने आपके ऊपर से ये जो है शरीयत खत्म कर दी गई है, आपके ऊपर से नहीं नहीं शरीयत ही नहीं हमने मैं इस खत्म बात कर को दी है। नहीं मानता, मैं इस बात को नहीं मानता। जो आप बंदा कहता है आपको मैं मानना उसकी, पड़ेगा क्योंकि ये आपके आप इमाम क्या, का मैं अगर फरमान ये है मेरे इस्माइली भाई, ये हम बोला नहीं ना, कह रहे, मैं उसकी बात भी नहीं मानूंगा मैं। ये हम नहीं कह रहे, ये इमाम का खुद का अगर मैं फरमान ये है, ये बात हम अगर मैं अपनी तरफ से मानता नहीं कह भी, रहे। अगर ये मैं जी मानता तो आज मैं रोजा नहीं रख रहा होता। मैं रख रहा हूँ, कहने का मकसद ये है ना, मैं इस्माइली होके भी अगर ये सारी चीजें कर रहा हूँ, मैं शिर्क नहीं कर रहा हूँ, तो मुझ में और आप में क्या फर्क हुआ, मुझे ये तो भाई बताओ। फिर इसका मतलब ये हुआ ना कि आपके अंदर कुछ ईमान जो है अभी है बाकी, नहीं, जिसकी ये वजह से आप मैं ये सब इस्माइली कर हूँ, रहे और इस्माइली मैं हैं। इस्माइली होने के अंदर, मैं इस्माइली हूँ और मेरे अंदर ईमान है। अरे ऐसा नहीं है, वहां पर जमात खाने जाते हैं, देखिए मैं नहीं जाता हूँ, आप जमात खाने जाते ही ना नहीं मैं है। नमाज, ना मैं नमाज पढ़ता हूँ, ना जमात जमात खाना जाता हूँ, लेकिन मैं खुद को मुसलमान, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, क्यों अल्लाह की दसवां मदद देते हैं करता कि जकात देते हैं? दसवन, जाहिर सी बात अच्छी बात है, देना भी चाहिए। मैंने पहले भी आप बताया था मैं लॉजिकल बंदा हूँ, दसवन देना चाहिए, गरीब की मदद होती लेकिन है, आप और दुआ मैं नहीं पढ़ते, अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मैं लेकिन आप दुआ नहीं पढ़ते। जमात दुआ पढ़ता हूँ कभी कभी, जाहिर सी बात है, पढ़ूंगा इस्माइली हूँ खाने तो जाते हैं तो दुआ पढ़ते हैं बिल्कुल ना? पढ़ता हूँ। हाँ, तो जमात खाने जो जाता है और दुआ पढ़ता है वो शिर्क करता है ना मेरे भाई? आप कैसे कहते देखे मेरी बहन, सबसे देखें सबसे पहले कलिमा आता है ना इस्लाम में, कलिमा के मैं बाद फिर शिर्क नमाज नहीं रोजा करता? जकात ये आपने चीजें बात आती की है ना। शिर्क की, आपने बात की एक मिनट एक शिर्क मिनट एक की, मिनट यार, मैं शिर्क की बात कर रही हूँ। आप इस्माइली दुआ शिर्क में शिर्क करते हैं। वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरी बहन, बात सुने। सबसे पहले कलिमा आता है नहीं आता है? हाँ बिल्कुल आता है, पढ़ सबसे लिया पहले कलमा क्यों आता है? क्योंकि आप जो है ना, आप अपने दिल को साफ कर रहे हो, आप कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद करना। रसूलुल्लाह, आप कहते हो अल्लाह अल्लाह एक है, ठीक है ना, और उसी की इबादत हम करते हैं। तो देखिए जब मेरा कलमा मैं पढ़ता हूँ, मेरा दिल साफ है, मेरा ईमान, अभी आपने क्या कहा शिर्क ना, मैं शिर्क करता ही नहीं हूँ ना। आप मैं अगर जमात खाने में भी सर अपना झुकाता हूँ तो मैं ये सोच के झुकाता हूँ कि मैं इस्माइली कलिमा मेरे भाई, इस्माइली कलिमा, क्या मतलब इस्माइली का कोई अलग कलिमा है? आपकी दुआ में है ना, आपकी इस्माइली दुआ में आपका इस्माइली कलिमा मौजूद है पहले पार्ट में। भाई मेरी बहन ये तो आपकी रीना, आपको पता है, आप मुझे बताए ना, मुझे तो नहीं मेरी पता ही नहीं इसके बारे में। भाई लॉजिकल एक बंदा मिनट, कैसे बहन होगा बहन मेरी लॉजिक को? बहन एक मिनट रुकिएगा। देखें भाई आप मुझे जो तो जो आज, बार मुझे बार, तो आज पता चला कि ये कोई इस्माइली का भी अपना कोई कलीमा है। मेरे भाई यही तो मसला है, यही तो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं जो इस्माइलियों को, जिस चीज से वो अवेयर है ही नहीं, इस्माइलियों को पता ही नहीं है कि उनके असल दीन में है क्या क्या चीजें। उनको जब अरे ये जो चीजें बंदा, सामने देखें आती बात हैं तो फिर सुने, वो खुद हैरान हो जाते हैं। आपको दोनों तरफ से तकलीफ है, जिसको नहीं पता उसका भी आपको तकलीफ है, जिसको पता है उसको भी आपको तकलीफ है, जो अल्लाह भाई की इबादत करते वो हैं उसकी इसी भी वजह तकलीफ है, से, जो वो इसी जो वजह इस्काम की से जब बात हम करते हैं उसकी इस्माइली भी आपको थे। तकलीफ है। अबे भाई मेरे भाई सुन आपको कोई लो, और काम नहीं है, मुझे बताओ सीधे बात, सीधी सुन बात, तो मुद्दे की लो, बात करते हैं, बात सीधी हम भी मुद्दे पे ही आ रहा हूँ, हम भी इस्माइली थे ना, तो हमें भी पता नहीं होती थी ये चीजें, इसीलिए हमें तकलीफ है कि जब जाहिर हमें भी सी बात पता नहीं है, थी, आप इसी तरीके से इस्माइली दूसरों को थे। भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है मेरे भाई। बात सुने, एक मिनट इस्माइली एक मिनट ना कलिमा यार, है, इस्माइली कलमा सुन लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलील अमीर मोमिनीन अलीउल्लाह, ठीक है, अली को अल्लाह आखिर में कहते हैं ये लोग, यकीन मानो ये आप आपके मुंह से सुना है मैंने, ये पहले दुआ में कभी मौजूद सुना है नहीं मेरे है। भाई, आपकी दुआ में मौजूद है ये पता है कब पढ़ते हैं? ये यार। पढ़ते हैं जब आप पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा या मौलाना मिनका मददी वालैका मोतमदी, उसके फौरन बाद यही तो आता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह अली अमीरुल मोमिनीन अली अल्लाह मौलाना शाह करीम अल हुसैनी अल इमाम अल हाजिर अल मौजूद सुजूद अल्लाहुम्मा लका सुजूदी व ताअत। अब बताओ है ना इसमें कलमे में? एक तरफ इमाम को, हाँ बिल्कुल, यार अब मैं वही कहूंगा ना आपसे कि देखें आप जो बंदा, अब आप कलमा हर सुना बंदे से आपको दिया तकलीफ अभी है सीधी बात। कलमा सुना दिया, अभी भी आपको अब भाई यकीन अगर आपको नहीं एक्सेप्ट नहीं करना तो वो एक अलग चीज है, पर सच्चाई सच्चाई ही रहेगी, है? ठीक है देखें ना। एक्सेप्ट
तो आपको सबूत दे रहे हैं ना मेरे भाई, इस्माइल क्या दे रहे हैं, हम हमारे अपने बनाए हुए तो नहीं है ना, इस्माइली किताबें उन्हीं में से हम बता रहे हैं आपको। मुझे मतलब पता है किस चीज से आप चाह रहे हैं कि तुम एक्सेप्ट करो एक्सेप्ट करो। अरे भाई मैं पहले से ऑलरेडी मुसलमान हूँ तो मैं क्या एक्सेप्ट करूंगा यार। आप जाके जिसको इस्लाम का नहीं पता, जो बिल्कुल इस्लाम के दायरे से बाहर है, आप उसको बोलो ना, आप मुझे क्यों कह रहे हो। भाई एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुझे सब पता है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ऐसा तो मैंने कभी सुना ही नहीं है, तो ये तो फिर दोबारा कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना। यार देखो अभी मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले कलमा आता है, क्यों आता है, अपने ईमान को मजबूत करने के लिए, ठीक है। जब मैं अल्लाह को मानता हूँ तो खत्म हो गई ना बात। आपका मसला इस चीज से था ना कि आप इमाम के आगे सजदा करते हो, इमाम से मांगते हो। जब मैंने उस मसले का आपको बताया, वो मसला एड्रेस किया, मैंने कहा कि मैं अल्लाह, अच्छा चले मेरी बात सुने, अल्लाह को मानते हैं ना, चीज ऊपर जा रहे हो, बिल्कुल अल्लाह को मानते हैं ना आप, बिल्कुल मानता हूँ, ठीक है। इस्लाम के 5 अरकान भी मानते होंगे फिर, बिल्कुल, फिर ये सब चीजें करने के साथ साथ फिर आप दुआ भी पढ़ते होंगे, बिल्कुल पढ़ता हूँ। तो दुआ में तो शिर्क है ना, जो कि इस्लाम में मना किया गया, फिर शिर्क क्यों करते हैं मेरे भाई, जब अल्लाह को मान, अल्लाह को भी मान रहे हैं, शिर्क भी कर रहे हैं, तो ये तो फिर आप गलत कर रहे हैं ना, अल्लाह के साथ ही गलत कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। यार मैं शिर्क कैसे कर रहा हूँ मैं, दुआ के अंदर तो भाई 110% शिर्क मौजूद है दुआ के अंदर। हम आपको एक एक चीज, वही तो हम आपसे कह रहे हैं, आप आए लाइव स्ट्रीम पे आए, हम आपको एक एक चीज बाकायदा डिटेल के साथ बताएंगे, अगर आपको लगे कि हम झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हम तो अपनी तरफ से तो बोल नहीं रहे ना, हम तो सिर्फ इस्माइली किताबों से ही बोलेंगे और कुरान से बोलेंगे। अगर आपको लगे कि हम लोग कुछ गलत कह रहे हैं तो फिर आप हमें बताइएगा। आप अगर आपको लगता है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे पहले मुझे ये बताएं कि तुम गलत कर रहे हो। मेरे भाई दुआ पढ़ता हूँ तो अल्लाह के आगे सजदा करता हूँ ना, उसमें भी अल्लाह अल्लाह के आगे भी सजदा कर रहे हैं, और उससे पहले क्या बोल रहे हैं आप, वो भी तो देखे ना दुआ के अंदर। खाली आप अल्लाहुम्मा लक सुजूदी वताती को अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप पिछली उससे पहले जो कुछ पढ़ रहे हैं दुआ के अंदर, आप वो चीजें उन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं जो जो शिर्क है ही वहां पर सारा। एक तरफ वो अपने इमाम को आगे कर रहे हैं, दूसरी तरफ अल्लाह को आगे कर रहे हैं, तो दुआ के अंदर ही कॉन्ट्राडिक्शन है मेरे भाई। आप समझो इस चीज को, अगर आप सच्चाई को ढूंढना चाहते हैं तो इन चीजों को आपको समझना पहले बहुत जरूरी है। खैर आप मुझे वीडियो सेंड करने वाले थे, आप मुझे वीडियो सेंड करें। आप एक काम करें, एक से सवा घंटे का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है यार, एक सवा घंटे का ब्रेक छोड़ दे, अभी बता दे आप, क्योंकि मुझे मेरे भाई मैं सो रहा हूँ। हाँ तो फिर भले आप सो जाएं, फिर आप कल का टाइम रख लीजिएगा कोई, क्योंकि अभी तो हम लोग भी थोड़ा बिजी हैं। आप वीडियो तो भेजें यार, आप कह रहे हैं दस्ती दस्ती मेरे पास पड़ा हुआ, आपको वेबसाइट का नाम दिया तो मेरे भाई एक चीज नहीं है ना, एक चीज नहीं है ना, आपको फिर बाद से जब बात निकलती है तो आपको और भी 100 चीजें निकालेंगे। मांग रहा हूँ ना आपसे, मैं तो सिर्फ एक ही चीज मांग रहा हूँ वो वाली। बहन आप फ्री है अभी? हेलो जी जी, अभी आप भेज देना व्हाट्सएप पे यार, असल में बहन का मेरे ख्याल में। हेलो क्या हुआ बहन, आप फ्री हैं? ये कह रहे हैं कि भाई मेरे पास अभी टाइम नहीं है 1.5 घंटे का वेट करने को, तो अभी अगर आप दे सकते हैं तो ठीक है। तो मैंने कहा बहन से पूछ लें अगर वो फ्री हैं। लाइव स्ट्रीम पे आना है कि इनको प्रूफ चाहिए खाली? मुझे प्रूफ चाहिए। चले फिर रहीम भाई, आप एक काम कीजिए, एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाइए, ये जिसमें भाई हैं आप और मैं हूँ, और ये मुझे जैसे कलमे का प्रूफ है तो कलमा भेज देते हैं, फिर आगा खान के शराब के कारोबार का, सुअर के गोश्त भेजते हैं इनके इमाम उसका, वो आपके पास वो आप सेंड करो, फिर मैं फ्री होके रोजा खोल के आती हूँ, फिर मैं उसमें ऐड करती जाती हूँ, ठीक है जी बहन? ठीक है मैं अभी भेजता हूँ। बहुत शुक्रिया, ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम भाई।